कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर पुष्कर के रामधाम तिराहे पर भाजपा कार्यकर्ता और पुरोहितों ने राहुल गांधी का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। भाजपा पदाधिकारियों ने बताया कि राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुस्तान को तीर्थ पुरोहितों की आवश्यकता नहीं है। इस पर विरोध जताते हुए उन्होंने कहा कि उनके इस बयान से तीर्थ पुरोहितों के सम्मान को ठेस पहुंची है और इस तरह की बयानबाजी के लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। यहाँ तीर्थ पुरोहित और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से जो राहुल गांधी ने इस सनातन संस्कृति और हमारे जो तीर्थ गुरु है, हमारे जो तीर्थ पुरोहित है, उनका जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अपमान किया कि इस हिंदुस्तान को तीर्थ पुरोहितों की आवश्यकता नहीं है, मैं उन राहुल गांधी को बता देना चाहता हूं कि ये जो सनातन संस्कृति को जो तोड़ने का, जो सनातन धर्म को तोड़ने का, जो हमारे तीर्थ पुरोहितों का जिस प्रकार ने जो उन्होंने अपमान किया, उस अपमान को हिंदुस्तान नहीं सहेगा और उसके विरोध में लेकर के ही आज उनका, राहुल गांधी का पुतला फूंका है और हमारे सनातन धर्म में और सारे तीर्थ पुरोहितों में उनके प्रति गहरा आक्रोश है, नाराजगी है और उसी के रूप में उसका जो पुतला फूंक करके और उसके प्रति मैंने गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। क्योंकि मैं राहुल गांधी को बता देना चाहता हूं कि वो जो कपड़ों के ऊपर के जो जनेऊ पहन करके जो घूमता है, परंतु उनको हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति का अध्ययन करना चाहिए, उनको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए कि चाहे गंगा नदी हो, यमुना हो, संगम पे हो, चाहे तीर्थ गुरु पुष्कर राज में हो, तीर्थ पुरोहित ही अपने कर्मकांड करवाते हैं और इसका एक संस्कृति और संस्कारों को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाते हैं और इस संस्कृति को जिंदा रखने का काम हमारे तीर्थ पुरोहित करते हैं। इस प्रकार से जो उन्होंने तीर्थ पुरोहितों का अपमान किया, वो हमारे सनातन संस्कृति का अपमान किया और इसके अगर इसके बयानों पर माफ़ी मांगे, बयानों को वापस लेवे, नहीं तो ये सनातन धर्म, ये तीर्थ गुरु पुष्कर राज उनको माफ नहीं करेगा। और उनको मैं कहना चाहता हूं कि आपके पूर्वजों के कर्मकांड इन्हीं तीर्थ पुरोहितों ने करवाया था और आगे भी आपका जो भी कार्य होगा ये तीर्थ पुरोहितों के माध्यम से ही होगा। इस हिंदू संस्कृति को, इस हिंदू सनातन धर्म को और अपमान हम सहने वाले नहीं है, इसी को लेकर के मैं गया। कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उनके द्वारा हिंदू संस्कृति की जो पालना कराने वाले तीर्थ पुरोहित है उनका अपमान किया गया है। हम पुष्करवासी तीर्थ पुरोहित जो उनके पुरखों के जो कर्मकांड वगैरह किए हैं, आज हम उनको यह चेतावनी देना चाहते हैं कि आगे ऐसी गलती ना करें। अगर वह इस गलती पे माफी नहीं मांगते हैं तो हम तीर्थ पुरोहित उनका जीते जी पिंडदान करेंगे। रेड टेप के ब्रांडेड फैमिली वेयर पर ऑनलाइन आउटलेट सुविधा के साथ 70% की छूट। मेन, वुमेन्स, बॉयज, गर्ल्स और किड्स के लिए रेड टेप के वियर और फुटवियर 70% की छूट के साथ उपलब्ध है। हमारे शोरूम से आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन रेट पर कोई सा भी वियर। तो चले आइए रेड टेप शोरूम, पुरानी चौपाटी के पास, अनासागर सर्कुलर रोड, अजमेर। संपर्क करें 01454060760 और 7737324099। राजस्थान विधानसभा चुनाव आ गया 2023। अमीन कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सर्वे। लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में कौन होगा अपना विधायक उम्मीदवार, कौन कर रहा है चयन, कौन सी पार्टी से रखता है संबंध, बताएंगे आप और उस क्षेत्र में रहने वाली जनता। अमीन के फेसबुक या यूट्यूब चैनल पर कमेंट करें, बताएं आपके विधानसभा क्षेत्र में संभावित दावेदार किसी पार्टी का नाम अवश्य लिखें, साझा करें जिससे आपका क्षेत्र का हो संकीर्ण विकास। प्रतिदिन 2 या 3 विधानसभा, 3 बजे 5 बजे, ये जानकारी हमारे व्हाट्सएप पर भी साझा कर सकते हैं। 9 8 209 0 1 0 4 4 8 अजमेर, जयपुर, संभाग।